नमस्कार, दिव्या होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म मना रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और शक्ति के सामंजस्य का दिन है, शिव और शक्ति के मिलान का दिन है। ऐसे में इस साल जो महाशिवरात्रि का व्रत हो पर्व जो हो रहा है वो बड़े ही शुभ अवसर पर होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 300 साल के बाद एक ऐसा योग और संयोग बन रहा है कि इस शुभ योग संयोग में प्रत्येक शिव भक्त अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी मनचाही सिद्धि हासिल कर सकता है। तो इस शिवरात्रि में तीन योगों का महासंयोग हो रहा है, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग, और नक्षत्र हो रहा है श्रवण नक्षत्र। तो करीब 300 साल के बाद श्रवण नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का शुभ मिलान होने जा रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि का यह पर्व कुछ खास कुछ विशेष है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भगवान शिव के जो 19 अवतार है उस अवतार की विविध कथा और उस अवतार भगवान ने क्यों धारण किए इसके बारे में। आप सबको पता है कि दिव्य होम हिंदू सनातन धर्म के विविध आयामों को एक बौद्धिक भाव से दिखाता है। भगवान श्री शिव के जो 19 अवतार है वो हमें शिव महापुराण और लिंग पुराण से मिलते हैं। अब तक आपने विष्णु के अवतार को जाना होगा, लेकिन इस महाशिवरात्रि में जाने भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा। सबसे पहला अवतार वीरभद्र अवतार। जब भगवान शिव के ससुर जी राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जो शिव के प्रथम अवतार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। शिव का दूसरा अवतार है पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, ये जो पिपलाद बालक था वो ऋषि दधीचि का बालक था, लेकिन ऋषि दधीचि उसे पिपल के वृक्ष के नीचे छोड़ के चले गए। जब पिपलाद ने देवताओं से उसका कारण पूछा, तब देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना था, जिससे चलते दधीचि ने आपको जन्म से पूर्व ही छोड़ दिया। पिपलाद ने यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक किसी को कष्ट ना पहुंचाए। इसीलिए आज भी जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु वाले बच्चे को शनि का कोई प्रकोप नहीं लगता और शनि की पीड़ा भी दूर होती है। भगवान शिव के इस पिपलाद अवतार का स्मरण करने से शनि की पीड़ा दूर होती है। भगवान शिव का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नाम का एक महा ऋषि जो ब्रह्मचारी था, जो वंश समाप्त होता देखकर अपने पितरों से संतान उत्पत्ति के लिए घोर तपस्या कर रहा था। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना भगवान शिव से मांगी। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक भूमि से एक बालक उत्पन्न हुआ। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रख दिया।
बाद में शिव का ये नंदी अवतार एक गणाध्यक्ष के रूप में शिव के साथ ही रहा, जो मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ और शिव ने नंदी और सुयशा को हमेशा अपने पास रख दिया। शिव का चौथा अवतार भैरव अवतार है। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु श्रेष्ठता के स्थापित करने के लिए जब युद्ध कर रहे थे, तब उसके युद्ध के दौरान एक तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुरुषाकृति, आप शिव का प्रतीक चंद्रशेखर हो, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी पुरुषाकृति से एक काल की भांति शोभित होने के कारण साक्षात काल भैरव का रूप धारण किया। भीषण होने के कारण वे भैरव थे तथा अति शोभित और अति तप के कारण वह काल के रूप में जाने जाते हैं। और काल भैरव के इस रूप ने अपनी अंगुल के नाखून से ब्रह्मा के पांचवें शिर को काट दिया। ब्रह्मा का पांचवा शिर काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा। दर्शकों, ये जान के आपको बड़े आश्चर्य होगा कि शिव के अवतार काल भैरव को भी कर्म नहीं छूटता। जो हम कर्म करते हैं उसे हमें भुगतना पड़ता है। अतः काल भैरव ने भगवान की नगरी काशी में जाके शिव की खूब आराधना की। आज भी काल भैरव काशी के चौकीदार के रूप में वहाँ मौजूद है। भगवान शिव का पांचवा अवतार अश्वत्थामा है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव ने जब उसे दर्शन दिया तब उसने पुत्र प्राप्ति मांगी। तब भगवान शंकर ने उसे कहा कि आपके नसीब में पुत्र प्राप्ति है ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ, मुझे आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना पड़ेगा, लेकिन आपका पुत्र आपके समान धर्म युद्ध में धर्म का अभिलाषी नहीं होगा और उनको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने जब भगवान शिव से पुत्र कामना की तो भगवान ने अपने ही एक अंशा अवतार के रूप में अश्वत्थामा के रूप में उसे जन्म दिया। समय आने पर संवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी अमर है और वह धरती पर निवास करते हैं, लेकिन उसे भगवान श्री कृष्ण का शाप लगने से वे कभी मोक्ष धारण नहीं कर पाए। भगवान शिव का छठा अवतार सर्भा अवतार है। भगवान शिव का ये छठा अवतार आधा मृग और शेष सर्भ पक्षी, यानी कि जो आठ पैरों वाला जंतु जो शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसे सर्भ अवतार के रूप में जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु का जब वध करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि अवतार धारण किया, तब उस वध के पश्चात भगवान विष्णु अत्यंत ऋषि अवतार में अत्यंत क्रोधित थे। उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्भा अवतार लेकर भगवान ऋषि के पास पहुँचे और उनकी स्तुति की, लेकिन ऋषि की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। तब सर्भ ऋतु ने एक सर्भ पक्षी, जो आठ पैरों वाला पक्षी था, वे अपने पूंछ में ऋषि को लपेट के उड़ने लगे। तब कहीं जाकर भगवान ऋषि की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्भा अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से सर्भा अवतार की स्तुति की। तो ये है सर्भा अवतार की कथा। आगे हम गृहपति अवतार की बात करेंगे, जो भगवान शिव का सातवां अवतार है। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर ऋषि विश्वानर तथा उनकी पति सुचिस्मती ने जब निसंतान रहने के कारण भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की इच्छा की, तब भगवान शिव ने उसे काशी में वीरेश लिंग की आराधना करने की सलाह दी। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। वही बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मती के गर्भ से अवतार लिया, जिसे गृहपति अवतार के रूप में जाना
माना जाता है। भगवान शिव का आठवां अवतार ऋषि दुर्वासा के रूप में है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुया के पति महर्षि अत्रिग ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित वृक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने उस पर वरदान दिए, जिसके अंश स्वरूप उन्हें तीन पुत्र हुए, जो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा रुद्र के अंश से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जिसे हम शिव का अवतार मानते हैं। शिव का नौवां अवतार हनुमान जी है, जो शिव का पूर्ण अवतार के रूप में माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी रूप धारण किया, तब लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। अब शिव जी का ये वीर्यपात सप्त ऋषियों ने एक पत्ते में संग्रहित किया और समय आने पर उस सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी तथा उसकी पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित किया, जो रामा अवतार में भगवान हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और श्री राम की सुरक्षा के लिए भगवान शिव साक्षात वहाँ विद्यमान रहे। तो ये है भगवान शिव का नौवां अवतार हनुमान। शिव का दसवां अवतार ऋषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया और विष्णु दैत्यों को मारने के लिए पाताल लोक गए, तो उन्हें वहाँ बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियाँ दिखाई दी। विष्णु के उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र भी उत्पन्न हुए। विष्णु के उन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव मचा रखा था, जिसे घबरा कर ऋषियों ने जब उसकी स्तुति की, तब शिव जी के पास गए और शिव जी ने वृषभ अवतार धारण करके विष्णु पुत्रों का संहार किया। ये है शिव का दसवां अवतार। शिव का ग्यारह अवतार यतिनाथ के रूप में हुआ। जब अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे, तब एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुका को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में मेरा प्राण विसर्जन ए धर्म था। अतः भगवान शिव ने उस अतिथि सेवा से प्रसन्न होके दर्शन दिए और अगले जन्म में पुनः उसी अवतार में यतिनाथ के रूप में उसके पति के रूप में जन्म दिया, जिसे हम निषाद पति भी कहते हैं। शिव का बारहवां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार है, जो इक्ष्वाकुवंशी श्राद्ध देव की नवमी पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ था। और विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभक जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे, तब उनके भाइयों ने राज्य का आपस में विभाजन कर दिया, जिससे क्रोधित होके यज्ञपारायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके जब नभक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया, तथा उसी समय यज्ञ से एक सुंदर आकृति उत्पन्न हुई, जिसे शिव का अवतार कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में माना जाता है। शिव का तेरहवां अवतार अवधूत अवतार, जो इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए उसे लेना पड़ा। इंद्र ने पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तब उस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार किया और वज्र छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान लिया और इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए उसे अवधूत अवतार लेना पड़ा। उसका चौदहवा अवतार भिक्षुवर्य अवतार, जो गर्भवती पत्नी ने विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार दिया और उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिप कर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उससे एक पुत्र का जन्म लिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई, तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ। तब वह बालक भूखा प्यासा वहाँ तड़पने लगा। इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहाँ पहुँची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण करके भिखारिन को बालक
का परिचय दिया और उनके पालन पोषण का निर्देश दिया। ये बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र और बाद में ये पुत्र शिव जी की कृपा से अनेक दुश्मनों का संहार कर अपना राज्य प्राप्त किया। यह है शिव का भिक्षुवर्य अवतार, जिस शिव का 15वां अवतार सुरेश्वर अवतार, जो भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर अवतार लिया था, जिसे सुरेश्वर कहते थे। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। बालक उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय जाप करने लगा और भगवान शिव जो इंद्र सुरेश्वर का रूप धारण करके उनके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर अपमन्यु क्रोधित हो गए और जो इंद्र का अवतार था सुरेश्वर, उसे मारने के लिए गए। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देकर शिव जी ने उसे वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उपमन्यु ने तब उपमन्यु स्तुति की, जो जय शंकर पार्वती पते नाम से जानी जाती है, उस अवतार को सुरेश्वर अवतार के नाम में जाना जाता है। शिव का 16वां अवतार है किरात अवतार। किरात अवतार महाभारत काल के दौरान भगवान शंकर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किया था और उस परीक्षा के दौरान एक सुअर का वध करने के लिए जब अर्जुन ने तीर छोड़ा तो उससे पहले भगवान शिव ने तीर छोड़ दिया किरात रूप धारण करके, और अर्जुन ने किरात वेश धारे शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर वे वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद देने के लिए पाशुपात्र शस्त्र दिया, जिसे किरात अवतार कहते हैं। शिव का 17वां अवतार ब्रह्मचारी अवतार है। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तब ब्रह्मचारी बनके शिव ने सती के घर प्रवेश किया, जिसे ब्रह्मचारी रूप धारण करके जब सती के पिता हिमालय से उसे अपनी पुत्री के रूप में भिक्षा मांगी तब हिमालय बहुत क्रोधित हो गए। तब हिमालय के सामने ब्रह्मचारी अवतार में हुए शिव ने साक्षात दर्शन दिया और बाद में वे पार्वती के रूप में उसे ले गए। शिव का 18वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। सुनट नर्तक अवतार जो है वो पार्वती के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए जब शिव जी वहाँ गए तब उसने अपने डमरू से एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे पूरी सभा मोहित हो गई, जिसको सुनट नर्तक अवतार या नर्तक अवतार भी बोलते हैं। और 19वां और आखिरी अवतार है यक्ष अवतार। शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए यक्ष अवतार लिया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण कर दिया और उसे कंठ में ही रोक दिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी आ गया। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबाने और उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवताओं ने उस तिनके को नहीं हिलाया। तभी आकाशवाणी हुई कि यह जो यक्ष सब गर्वों के विनाश का नाश करने वाले भगवान शंकर है। तभी सभी देवताओं अपना अभिमान त्याग कर भगवान शंकर की स्तुति करने लिए। तो ये है भगवान शंकर के 19 अवतारों की कथा। आप सभी को शिवरात्रि के समय ये कथा का अवश्य पाठ पठन करना चाहिए। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार जो भी शिव की इस 19 अवतारों की कथा का पाठ पठन करता है, अध्ययन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है और अंत में वो जातक मोक्ष प्राप्त करके शिवलोक में जाता है। दिव्य होम से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।